नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साठ एक इन्फो चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके पास आरओ है एम टीडीएस नहीं है तो आप उसमें टीडीएस कंट्रोलर टीडीएस के अपने मन मुताबिक टीडीएस बढ़ा के पानी पी सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको ये आपको इन नोजल की जरूरत पड़ेगी। ये टी नोजल है, टी नोजल इस प्रकार लगाना है इन में, और इस प्रकार का एक नोजल लगाना है टी नोजल जैसा ही। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्री कार्बन से जो पाइप इन से आ रही है, प्री कार्बन से ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो पाइप है प्री कार्बन वाली पाइप जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाइप को काट कट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रकार प्री कार्बन से जो पानी मेम्ब्रेन में जा रहा है, इस प्रकार काटना है। काटने के बाद इस नोजल को इसमें इस प्रकार लगा देना है, इस प्रकार जो मेम्ब्रेन में जा रहा है पानी उसको आपको, ये जो प्री कार्बन से पानी आ रहा है इसमें इसको लगा के इस प्रकार इसे लगा देना है। और लगाने के बाद आपको छोटा सा पाइप लेना है, आपको मन मुताबिक जितना हो आपको। इस प्रकार लेने के बाद इसमें पाइप को इस प्रकार लगाना है। लगाने के बाद आपको देखना है कि इन किधर है आउट किधर है। वीडियो रुकी दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्री कार्बन से जो आउटलेट पानी आता है ये, इसके बाद जो ये आप देख सकते हैं पाइप इस प्रकार है, इसको हम काट दिए हैं पाइप को। जो मेम्ब्रेन से पेवर वाटर आता है इससे भी पाइप को कट करना है। उसके बाद जाता है आपका पोस्ट में, पोस्ट से जाता है आपको पीने के लिए टैंक में। तो इसको काटना है, हम काट चुके हैं। काटने के बाद आपको इस प्रकार का टी नोजल लेना है, इस प्रकार इसमें लगाना है और इसमें लगाना है। इसके बाद लगाने के बाद ये जो आपका ए है इन आउट देखना है प्री कार्बन से, प्री कार्बन से जो पाइप आई है आपकी, इसको ए इन है आप देख सकते हैं, इन में इस प्रकार लगाना है। लगाने के बाद आपको ए आउट में इसको लगाना है, इस प्रकार। ये आपका उधर से पानी इसमें आएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो टीडी लगाने का तरीका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप अपने हाथ से भी खुद से भी लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, नए नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल साठ एक इन्फो को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों